बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम जी। आज छत पर आए हैं, धूप है काफ़ी और धूप की वजह से आए हैं क्योंकि सर्दी तो आपको पता है नवंबर में इतनी ज़्यादा हो गई है कि जैसे जनवरी की सर्दी होती है। तो धूप में थोड़ा सुकून है तो धूप में आए हैं। और वैसे अबू बकर तंग कर रहे थे कि ऊपर चलें साइकिल लेके, इन्होंने साइकिल चलानी है खुली जगह पर और अकेले ऊपर नहीं आते, इनको डर लगता है। मैंने इन्हें बोला कि ऊपर मैं साइकिल छोड़ देती हूँ, आप चला लो। इन्होंने कहा नहीं, मुझे डर लगेगा, आप मेरे साथ आओ। तो काम छोड़ के फिर ऊपर आई इनके साथ और अपनी तबीयत नहीं कुछ ठीक है। मेरी आवाज़ से आपको अंदाज़ा हो रहा होगा, दो दिन से मुझे बुखार है और नज़ला है सख्त और काफ़ी कावा वगैरह मैंने पिया है, काफ़ी टिप्स की हैं मैंने और काफ़ी फ़र्क पड़ा है, अल्लाह का शुक्र है अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन मुकम्मल अभी ठीक नहीं हूँ। तो अल्लाह ताला सबको सेहतियाबी दे क्योंकि मौसम है ये इस तरह का, तो एहतियात करें और कावे वगैरह बना के पिएं और सूप वगैरह पिएं, गर्म रखें अपने आप को और इसी तरह की बाकी चीज़ें भी करें। तो जैसे एहतियात ज़रूरी है, निमोनिया आजकल बहुत ज़्यादा फैल रहा है। तो ये हेलीकॉप्टर अबू बकर बता रहे हैं आपको कि हेलीकॉप्टर है जी। क्या है हेलीकॉप्टर? क्या हेलीकॉप्टर? अच्छा, तो एहतियात ज़रूरी है, स्पेशली छोटे बच्चों को और बुज़ुर्ग जो लोग होते हैं ना उनके लिए बहुत ज़्यादा एहतियात ज़रूरी है क्योंकि इसी मौसम में जो है ना अगर एहतियात ना की जाए तो काफ़ी नुकसान उठाना पड़ सकता है। तो यहाँ पर देखें लोगों ने कपड़े धोए हुए हैं जैसे ही धूप निकली है क्योंकि काफ़ी दिन बादल रहे हैं, बारिशें हुई हैं। तो जैसे ही धूप निकली है तो लोगों ने कपड़े धोए हैं और हमारी अपनी छत पे भी कुछ कपड़े मौजूद हैं जो कि मुकम्मल तौर पे सूखे नहीं थे दो तीन दिन से। और दूर बच्चे भी खेल रहे हैं कुछ, और ये देखिए दूर उधर भी कपड़े धुले हुए हैं। ठीक है, और अभी मोटर चलाई थी तो टंकी से पानी गिरा है नीचे, जब टंकी भर जाती है तो यहाँ से पानी गिरता है, ये देखें पानी गिरा। और मैं अबू बकर को मना कर रही हूँ कि पानी में नहीं जाना आपने क्योंकि आपकी सॉक्स जो है ना वो गीली हो जाएंगी। तो बच्चों के लिए भी बहुत एहतियात ज़रूरी है। और मैंने अपनी चैनल पे एक वीडियो अपलोड की हुई है शदीद खांसी में मुफीद कावा, जो कि ज़ीरे का कावा है, वो बहुत ज़्यादा फ़ायदा मंद है। आप वो वीडियो देखें और आप वो कावा बना के पिए, इंशाल्लाह आपको बहुत फ़ायदा होगा, बहुत आपको वो कावा जो है वो आपको खांसी को रिलीफ करने में काफ़ी आपको मदद देगा। इसके अलावा सूप भी पिए, चिकन का सूप बनाएं, पंजों का सूप बनाएं, पंजों का सूप भी बहुत बेहतरीन है, और चिकनी चीज़ें कम खाएं। मैं आपको टिप्स देने लगी हूँ ऊपर, वैसे ही मैं वीडियो बना रही थी क्योंकि अबू बकर जो थे वो ऊपर आए हुए थे और मैं भी ऊपर थी, तो लेकिन मैंने सोचा चलें कुछ काम की बातें भी हो जाएँ तो ज़्यादा अच्छा है। और प्लीज़ वीडियो को एंड तक देखा करें ताकि मेरा वॉच टाइम पूरा हो जाए, क्योंकि मेरा वॉच टाइम पूरा नहीं हो रहा। आप लोग हेल्प करें प्लीज़, वीडियो को एंड तक देखा करें। जो नए लोग हैं प्लीज़ उन वो सब्सक्राइब करने के बाद जो है बेल आइकन को भी प्रेस कर दिया करें ताकि जब भी मैं कोई वीडियो अपलोड करूँ तो वो वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिले और आप बर वक्त उस वीडियो को देख सकें। और लाइक तो ज़रूर कर दिया करें क्योंकि लाइक करने में कोई मुशक्क़त नहीं करनी पड़ती, जस्ट एक बटन दबाना पड़ता है, बटन भी नहीं दबाना, टच करना पड़ता है। तो लाइक तो ज़रूर ही कर दिया करें, इससे मेरी हौसला अफज़ाई होती है। कमेंट करेंगे तो ज़्यादा अच्छा लगेगा कि आप लोग कितनी मोहब्बत से मेरी वीडियो को देख रहे हैं, लाइक कर रहे हैं और उसको तवज्जो भी दे रहे हैं। तो आप लोगों का बहुत शुक्रिया कि आप लोग मेरी वीडियोस को देखते हैं, लेकिन व्यूज़ बहुत कम आ रहे हैं। ठीक है, और चैनल अभी तक मेरा मोनेटाइज नहीं हो सका, हालांकि मैं बहुत मेहनत से वीडियोस बनाती हूं। तो काइंडली थोड़ा सा जो है वो मेरी हेल्प करें, मेरा चैनल मोनेटाइज करने में मेरी मदद करें, वीडियोस जो है ना वो देखें, लाइक करें, कमेंट करें, शेयर भी करें फ्रेंड्स के साथ, क्योंकि बहुत काम की वीडियोस भी हैं, मैंने बहुत अच्छी अच्छी रेसिपीज़ भी डाली हुई हैं, व्लॉग्स भी हैं। तो काफ़ी अच्छी धूप है, आप लोग भी छत पे बैठे हैं। धूप में विटामिन डी जो है वो बहुत बड़ी मिकदार में होता है, सबसे ज़्यादा मिकदार में होता है, खाने से भी हमें इतना नहीं मिलता जितना हमें धूप में बैठने से मिलता है। तो आप लाजमी जो है ना धूप में बैठा करें क्योंकि विटामिन डी हमारे जिस्म के लिए बहुत ज़रूरी है।
छतों पे पालते हैं, कुत्ते बैठते हैं, कुत्ते बहुत ऐसे कुत्ते कुत्ते क्या बैठे हैं? कुत्ता क्या बैठे हैं? अच्छा बच्चे बैठे हुए हैं, ठीक है बच्चे बैठे हैं। कौन बैठा हुआ है? वो कुत्ते। कौन? कुत्ते बच्चे। अब चले नीचे। चलो चलो ठीक है लेके चलते हैं। देखें जी इनकी साइकिल भी मैं ही उठा के लाती हूँ और मैं ही लेके जाती हूँ, खुद तो नहीं करते कुछ भी। चले आए आए साइकिल देखें इनकी मैंने उठा ली है, अब नीचे उतर रहे हैं आ जाए। और अभी जो है ना मैंने कोई सफाई वगैरह भी नहीं की है और कोई अभी भी खाने का भी इंतज़ाम नहीं है कि क्या पकना है, आज कुछ फैसला भी नहीं किया गया। जस्ट इनके रोने की वजह से जो है ना वो मैं ऊपर आ गई थी। आए नीचे जल्दी से। और ये ले ये देखें जी एक साइकिल ये भी पड़ी हुई है और ये भी आ गई है। अब यहाँ पर भी ये साइकिल ही चलाएंगे, ठीक है। अभी हमने देखना है कि हमने क्या पकाना है। अच्छा जी अल्हम्दुलिल्लाह सफाई हो गई है और ये जो धुआं धुआं सा आपको नज़र आ रहा है ना ये मैंने कबाब बना लिए हैं, तो ये कबाबों की वजह से ना घर में कुछ धुआं सा हो रहा है और अबू बकर फिर ऊपर से नीचे आ रहे हैं। अल्लाह का शुक्र है कि सारी सफाई हो गई है। ये देखें बेडशीट्स भी मैंने जो है ना दूसरे बिछा दिए, चेंज कर दिए, तो बिस्तर वगैरह सारे मैंने रख दिए उठा के और सफाई हो गई है। और अबू बकर को जो है ना भूख लग रही है बहुत और मैंने रोटी भी बना ली है आप लोगों की गैर मौजूदगी में। और ये देखें कबाब भी बन गए, रोशनी थोड़ी कम है, ये कबाब भी बन गए हैं। तो अभी जो है ना हम खाना खाने लगे हैं। तो कैसी लगी आज की वीडियो? अच्छी लगी प्लीज़ लाइक कमेंट शेयर कर दीजिए, वीडियो को एंड तक देखा करें। अगली वीडियो तक के लिए इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।